हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो वेलकम बैक टू माय वन मोर अमेजिंग वीडियो। तो गाइस, फिलहाल घर में मैं जब व्लॉगिंग कर रहा था तो अचानक से मुझे याद आया कि बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। एक ही बंदा है जो मेरे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकता है और वो है हमारे सरताज भाई। तो फिलहाल हम सरताज भाई के पास आ गए हैं एंड बाइक सर्विसिंग भी मेरी यहीं से होती थी और ये कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं इसको फिक्स करने का। तो अगर ये फिक्स हो जाता है तो मे भी कल या परसों से व्लॉगिंग जो है चालू हो जाएगी। क्या लगता है सरताज भाई, होगा फिक्स? हो जाएगा सरताज भाई के तरफ से फिक्स हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। तो गाइस, व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ था, मैंने तो बोल दिया कि मिलते अगली वीडियो में, लेकिन ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं आ गया हूँ थाना चौक पे, इनका गैरेज है, देख सकते हैं। जो है आपका जो मधुबनी थाना चौक पे हीरो शोरूम है, जस्ट हीरो शोरूम के सामने ये इनका आनंद ऑटो स्पेयर पार्ट्स का जो दुकान है, ये इनका दुकान है। अगर आप लोगों में से किसी को भी गाड़ी का सर्विसिंग कराना हो, कोई भी हीरो का पार्ट्स लेना हो या किसी और भी बाइक का पार्ट्स लेना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। क्या सरताज भाई, एकदम आ सकते हैं यहाँ सामान लेने के लिए, सर्विसिंग कराने के लिए, और गाड़ी के लिए, हर गाड़ी के लिए, कोई भी बुलेट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग हर गाड़ी का सर्विसिंग हो जाएगा। चलिए, तो सरताज भाई यहाँ दिमाग लगा रहे हैं और यहाँ होल्डर देख लीजिए, यहाँ पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कितनी देर में ये फिक्स होता है। फिक्स टाइम लगेगा अभी होल्डर फिक्स करने में, देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करूँगा और कैंसर जर्नी का जो वीडियो मैंने बोला था कि वो आएगा आएगा आएगा, तो फाइनली गाइस वो वीडियो आने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। देखते हैं कितना देर में ये फिक्स होता है, फिर मिलते हैं आपसे। सरताज भाई देख लीजिए, अपना देसी जुगाड़ लगा रहे हैं, छेद वेद करके नट वट का टाइट करके देसी जुगाड़ लग, बोले बिहारी जुगाड़ लग गया। मैं बता दूं आपको एड्रेस, ये जो हीरो शोरूम है मधुबनी में, जस्ट उसके अपोजिट साइड ये आप देख सकते हैं बरगद का गाछ है, जस्ट हीरो के पास ही। एंड ये इस गाछ के जस्ट अपोजिट साइड आप देखेंगे तो ये इनका शॉप है, आनंद ऑटो स्पेयर पार्ट्स। हीरो FI का स्पेशलिस्ट है, हीरो FI के स्पेशलिस्ट हैं। मोटर FI का मोटर जो है यहाँ पे रिपेयरिंग भी होता है, बना के देते हैं आदमी 14,000-15,000 नया का पड़ता, हम 3,000-4,000 बना के देते हैं। समझ गए, अगर किसी भी तरह का इंजन को खुलवाना हो, उनको रिपेयर करवाना हो तो एक बार संपर्क आनंद ऑटो स्पेयर पार्ट्स में आके सरताज भाई से जरूर संपर्क करें। अपना बिहारी जुगाड़ लग चुका है गाइस और देख लीजिए ये फिक्स हो गया है अब, एंड होप कि ये ज़्यादा दिन तक टिके। अगर अभी फिलहाल काम चलाने के लिए हो गया है, इन फ्यूचर देखते हैं तो फिर इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, इसको चेंज करवा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी जब तक चलेगा इसको चलाएंगे। तो गाइस फाइनली जो है ये मेरा जो होल्डर है, देखिए यहाँ होल्ड हो गया सरताज भाई का खुरपाती दिमाग, ये देखिए यहाँ पे नट बोल्ट डाल वाल के फिक्स कर दिए हैं। थैंक यू सो मच सरताज भाई, थैंक यू सो मच।
आप मेरा बहुत बड़ा काम कर मतलब मेरा बहुत बड़ा टेंशन ही खत्म कर दिए। फाइनली ये जो होल्डर है होल्ड हो गया है एंड व्लॉगिंग जो है कंटिन्यू चालू रहेगा और वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। बहुत टाइम मैं लाइव भी वहाँ आऊँगा, लाइव में भी मैं आपको बताऊँगा पूर्णिया में क्या कुछ नया खुल रहा है, क्या कुछ नया है और क्या क्या खुल चुका है, क्या क्या अभी लॉकडाउन के गाइडलाइंस के अलावे भी खुला हुआ है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। मेरे वीडियो में बने रहिए। बार लगा के हम लोगों ने शीशे को हैंगिंग कर दिया था, उस पर डाल भी दिया था होल्डर जो मंगाया था मोबाइल का, बट कहा ना परेशानियाँ मेरे साथ ख़त्म नहीं होती। तो ये देख लीजिए, ये जो है ये फिर से टूट गया, ये सक्सेस नहीं हुआ, इसे पूरा चेंज ही कराना पड़ेगा। सो इसे चेंज कराने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, बट इसे चेंज कराने में जो भी टाइम लगे बट कोशिश करूँगा मैं कि ब्लॉगिंग जो है मेरी वो कंटिन्यू रहे एंड देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग मेरे लिए भी प्रे करो कि भगवान मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी में नहीं डाले, हर एक मोमेंट में एक परेशानी आ जाती है। एंड अपना तो एटीट्यूड है भाई, नेवर गिव अप, अपन कभी हार मानते नहीं है। क्या बोले तो बीमारी से लड़ने में भी हार नहीं माना, लाइफ के स्ट्रगल में जो भी प्रॉब्लम होगी उससे भी हार नहीं माना। एंड सेम एटीट्यूड आप लोग भी अपना एटीट्यूड ऐसा ही बनाओ कि नेवर गिव अप, परेशानी कितनी भी बड़ी हो उसे फेस करना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो जैसी भी परिस्थिति हो उसके फेस करना है, उससे निकलना है। एंड हाँ, एंड वन मोर थिंग कि देखिए इम्पॉसिबल इज नथिंग, ठीक है। एंड मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है इम्पॉसिबल टाइप का शब्द कुछ भी, हाँ कैसे होगा ये नहीं होगा वाला शब्द मेरे में नहीं है, कैसे होगा इसके पीछे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, आप लोग भी इसके पीछे ही ज़्यादा ध्यान दें। जो हो गया उस पर दिमाग लगाने से अच्छा है कि आगे क्या हो सकता है बेहतर उस पर दिमाग लगाएं। देखते हैं हम भी बहुत जल्दी इसको ठीक करा के फिर से ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट करने का बहुत ज़्यादा मन है मेरा, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है मुझे, अपनी पूरी कैंसर जर्नी जो है उसको बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरा जो ये पिछला 3 साल जो बीता वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट एक बार ये फिक्स हो जाए उसके बाद फिर व्लॉगिंग चालू रहेगी बहुत अच्छे से और आप लोगों को मज़ा आएगा। सो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव दोस्तों के साथ सभी जगह अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, हर जगह पे, हर सोशल मीडिया पे इसे शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए, क्योंकि लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, मशक्क़त हो रही है, परेशानियाँ भी आ रही है, बट कोई नहीं, परेशानियाँ हर किसी के साथ होती है। तो गाइज अपना देसी जुगाड़ तो कुछ भी नहीं लग पाया, फाइनली इसको चेंज ही करा रहे हैं हम। अभी मैं मयूरी शोरूम आया हुआ हूँ इसको चेंज कराने के लिए, फाइनली इसको चेंज ही करा देंगे, क्योंकि इसे मैंने रिपेयर करवाया तो वो सक्सेस नहीं हुआ, वो टूट के गिर गया। और कुछ किस्मती थी मेरी कि उस समय मेरा मोबाइल उसमें नहीं लगा हुआ था, नहीं तो नुकसान बड़ा हो सकता था। तो उस नुकसान से बचने के लिए फाइनली इसको चेंज ही करा देते हैं। और फिलहाल अभी तो देख सकते हैं ये भाई हमारे जो है इसको चेंज कर रहे हैं, पूरी तरह इसको पूरा चेंज कर देंगे, उसके बाद इसमें मोबाइल होल्डर फिट हो जाएगा और सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल ये जो लाइट है इसको चेंज कराने में मुझे 150 रुपये लग गए, यानी मोबाइल होल्डर का 340 रुपया और इसका चेंज कराने का 150 रुपया, दोनों मिला के टोटल 490 रुपीज़ का खर्चा आया, मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ मेरी व्लॉगिंग के लिए, ठीक है। एंड मयूरी शोरूम में ही मुझे ये फाइनली मिला एंड यहाँ पे आके मैं अभी इसको चेंज करवा रहा हूँ। चेंज कराने के बाद एक और छोटा सा चीज़ है जो मैं गाड़ी में लगाऊंगा, वो भी मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा, व्लॉग में बने रहना, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये व्लॉग। ये चेंज हो जाता है उसके बाद इसमें मोबाइल होल्डर फिट करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा चीज़ है जो किसी बंदे ने मुझे दिया था वो मैं आपको बताऊँगा किसने दिया था आगे वीडियो में। तो कितना टाइम लगेगा भैया इसको चेंज करने में? 6-7 मिनट।
6-7 मिनट, मतलब मानिए 10 मिनट इसको टाइम लग जाएगा चेंज होने में। तो गाइस फाइनली इसको चेंज ही करवा दिया मैंने, कि मोबाइल का ज़्यादा नुकसान हो गया तो फिर ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी और अभी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ और किसी में, तो फिलहाल इसको चेंज करवा रहे हैं। चेंज करवाने के बाद मिलते हैं आपसे मोबाइल। तो देखिए गाइस ये हालत हो गया है, ये पुराना लाइट जो था मिरर ये है, ये खुल गया है और ये लाइट अलग हो गया है। एंड नया जो है ये सेटअप देखे भैया थोड़ा, ये देखिए ये पूरा नया सेटअप है, ये मिरर के साथ ये लाइट यहाँ फिक्स हो जाएगा। लगाइए भैया। तो भैया इसको अभी यहाँ फिक्स कर देंगे। तो गाइस नया जो है ये लाइट और मिरर जो है लुकिंग ग्लास सेट हो रहा है। ये सेट होने के बाद इसमें मोबाइल होल्डर को फिट करेंगे। एंड किसी को भी अगर टोटो रिजर्व में चाहिए या कहीं जाना हो, इमरजेंसी हो, तो एक बार कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर मैं आसपास रहा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपके मंजिल तक छोड़ दूं। तो फाइनली गाइज ये जो है देखिए लुकिंग ग्लास सेट हो गया है। अब इसमें मैं जो है ये जो होल्डर मैंने मंगाया था, ये होल्डर को इसमें फिक्स करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा व्यू दे रहा है। गाइज तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ये दुलाल भाई थोड़ा इधर, ये लगाने का कुछ इस टाइप से आ गया है और अब ये हिलेगा नहीं। और ये कुछ इस टाइप से देख लीजिए होल्डिंग, और इसमें मोबाइल जब मैं होल्ड कर दूंगा तो ये इस टाइप से एक व्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये पूरा सेटअप आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब से ब्लॉगिंग चालू रहेगी और पूर्णिया में जो भी कुछ नया होगा मैं उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो ये पूरा व्यू मिल रहा है। ओके गाइस, तो गाइस कुछ इस टाइप से मैं ब्लॉग कर पाऊँगा, ये देख सकते हो आप, तो पीछे भी कर सकते हो। और ये इस टाइप से यहाँ से मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगा, ये पूरा व्यू मिलेगा आपको, मेरा पूरा फेस मिलेगा, मैं जो भी बताऊँगा जो भी अभी ब्लॉगिंग करूँगा वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो गाइस ये तो फिक्स हो गया, आप चलते हैं घर, खाना खाने का भी टाइम हो गया, वहाँ खाना खाते। और एक छोटी सी चीज़ है जो मैं गाड़ी में लगाने जा रहा हूँ, होप आप लोगों को वो पसंद आएगा और उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। तो गाइस चलते हैं घर। तो फाइनली गाइस ये व्यू अभी तक मिल पा रहा है, ये इस टाइप से कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। और फ्रंट का व्यू क्या मिलेगा मैं आप वो आपको दिखाता हूँ। तो फ्रंट का व्यू कुछ इस टाइप का हमें मिलेगा इस होल्डर से फिलहाल। एंड ये थोड़ा सेक कर रहा होगा क्योंकि गाड़ी चल रहा है, टोटो में थोड़ा जर्किंग ज़्यादा लगता है, तो ये सेक कर रहा होगा, आई नो, बट मैं कोशिश करूँगा कि स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहे। मैं अभी अपने घर पे हूँ, घर पे मैंने खाना खा लिया है। एंड वो जो छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये, शायद ये आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये है प्रेयर फ्लैग, इसे प्रेयर फ्लैग बोलते हैं। और ये फ्लैग मेरे को दिया था अभिनव भाई ने, अभिनव भाई अभिनव ब्लॉग्स आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो उनके चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर उनके चैनल को देख सकते हैं। अभी वो इंटरनेशनल ट्रैवल टूर पे निकले हुए हैं। तो गाइस ये फ्लैग के लिए अभिनव भाई वेरी वेरी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने ये दिया। और आज इसे मैं अपने गाड़ी में लगाऊँगा। सो ये जो हैंडल है यहाँ पर जो है इस फ्लैग को मैं लगाऊँगा। एंड कहते हैं कि जैसा कि अभिनव भाई ने मुझे बताया, एक अभिनव भाई के साथ हमारा मीटअप का एक वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं उसे, मैं उसका भी लिंक आपको नीचे दे दूंगा। तो ये है प्रेयर फ्लैग जो अभिनव भाई ने मुझे गिफ्ट करा था, और उनके अकॉर्डिंग ये खरीदा नहीं जाता है, ये प्रेयर फ्लैग जो है इसको खरीदते नहीं हैं, इसको गिफ्ट करते हैं। तो ये प्रेयर फ्लैग अभिनव भाई ने मेरे लिए नॉर्थ सिक्किम जब गैंगटॉक का उन्होंने लास्ट ईयर जब उन्होंने गैंगटॉक का ट्रिप किया था तो वहाँ से उन्होंने मेरे लिए ये
फ्लैग लेकर आया था और मुझे गिफ्ट किया था। तो थैंक यू सो मच अभिनव भाई ये फ्लैग मुझे गिफ्ट करने के लिए। और आज इस फ्लैग को मैं अपने इस टोटो में बांध रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये फ्लैग जब मैं अपनी गाड़ी लूँगा उस वक्त मैं इसे लगाऊंगा। तो फिर ये फाइनली ये मेरी गाड़ी है और मैं इसे इसमें लगा रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच। तो गाइस यही मुझे दिखाना था। हाँ तुम अभी आई, हम तो नहीं देखे तुमको, कैसे आई? तो गाइस ये है नन्नी, पिछली वीडियो में भी आपने इसे देखा होगा, बहुत क्यूट है, मतलब हमारे मोहल्ले की जान है। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नन्नी तुम कुछ कहना चाहोगी? कुछ कहना चाहोगी मेरी ऑडियंस को? कुछ भी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा ये बोल दो कि मेरे चाचू के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चाचू के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। ओके तो गाइस आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग व्लॉग इसके बाद अब आने वाले हैं। तो गाइस बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।